इस रीजन का प्रीएम्बल हम सब ने सुना है और एक बार मास रीडिंग के टाइम पर हमने उसे पढ़ा भी था। विल द पीपल ऑफ इंडिया कुछ ऐसे शुरू होता है और हिंदी में कुछ ऐसे शुरू होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में उस दिन की तारीख 26 जनवरी 1949 ईस्वी नीति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एडर द्वारा इस संविधान को अधिकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस समय से बड़ा अगर कुछ था तो वो इस संविधान को लागू करने तक पहुंचने के पीछे का संघर्ष, वो आजादी की लड़ाई, वो एकता के नारे, वो जनमत के अधिकारों की गूंज और जिसने आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ दिया था। आज भी 71 साल बाद यह प्रतीत हो रहा है मानो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा हो, परंतु फर्क केवल इतना है कि वो संघर्ष संविधान को बनाने के लिए था और ये संघर्ष संविधान को बचाने के लिए है। इस पूरे देश में या फिर इस देश के बाहर भी मेरी आपकी और हम सबकी यदि कोई पहचान है जो इस दुनिया में सर्वोपरि है तो वो हमारी संवैधानिक पहचान होनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि हम भी आजकल ये सारी चीजें भूलने लगे हैं, हम वो संघर्ष भूल चुके हैं, हम भूल जाते हैं कि इस संविधान के आगे हर एक इंसान एक समान है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिन्हें संवैधानिक मूल्यों के आधार पर चुनकर गद्दी पर बिठाया गया है, जिन्हें सत्ता दी गई है, उन्होंने खुद भी इस संविधान को नहीं पढ़ा है। जैसे बचपन में अपने आप को सबसे सच्चा साबित करने के लिए एक बच्चा विद्यारानी की कसम खा लेता था, उस कसम का सच्चाई से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था और ठीक वैसा ही नेता शपथ ग्रहण करने के समय संविधान की कसम तो खा लेते हैं और वो बात अलग है कि उस कसम का उनके वादों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यदि देखा जाए तो आम जनता को भी संविधान से बहुत कुछ समझना चाहिए, उन्हें और हमें हम सबको ये याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत भारत में 18 वर्ष की आयु से सभी को मतदान का अधिकार है और केवल इतना ही जानना नहीं है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मतदान के अधिकार के साथ साथ हम जिन्हें चुनते हैं वो नेता होते हैं, भगवान नहीं। और वो नेता गलत भी होता है, वो गलती कर सकता है, आपके द्वारा चुना गया शासक गलती कर सकता है और आपको समझना होगा कि उनकी गलतियों को उजागर करना, उनकी गलतियों के विरुद्ध आवाज उठाना आप सभी के लोकतांत्रिक अधिकारों में आता है। पर 71 सालों में कुछ तो बदला है और वो ये कि लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया है और उन्हीं में से कुछ लोगों ने, वो चुनिंदा लोग जो इसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उठाने की चेष्टा भी करते हैं, उनकी आवाजों को दबाना भी शुरू कर दिया है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भागों के साथ बना भारत का संविधान, पर 71 सालों में कुछ और तो बदला है कि 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों तक पहुंचने के लिए 104 संशोधन किए गए और ये संशोधन आमतौर पर संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू नहीं किए गए थे। जब भी अदालतों ने व्यक्तिगत अधिकारों और संवैधानिक गारंटी को बरकरार रखते हुए सरकार के एजेंडे को असमान करार दे दिया तो संसद ने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रोक को ही हटाकर जवाब दे दिया और आज तो ये इतना मुख्य रूप से हो रहा है जिसके लिए ये सामने रखा गया।
जब संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बराबरी का अधिकार है, जो यह उल्लेखित करता है कि कानून के समक्ष समानता है, राज्य के किसी भी व्यक्ति को कानून से पहले समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। पर 71 सालों में कुछ तो बदला है, और वो ये कि लोगों को मुख्य रूप से निशाना बनाया जाने लगा है क्योंकि वे किसी खास जाति, समुदाय या धर्म से आते हैं। इस 26 जनवरी को मनाने के पीछे का कारण मात्र संविधान के लागू होना नहीं था, इसके पीछे का कारण अपितु जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान हमारे आजादी के लिए दे दिया, जिन्होंने अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया संवैधानिक मूल्यों के गठन के लिए, तो आज उसके एहसान के तले हमारा कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी कि आज भी यही यदि उन मूल्यों का उल्लंघन करता है तो हम संवैधानिक तरीके से उसका विरोध करें। लद्दाख के पथरीले रास्तों से लेकर कश्मीर के सेब के बागानों तक, पंजाब के लहलहाते खेतों से लेकर हिमाचल की पहाड़ियों तक, राजस्थान की सुनहरी रेत से लेकर गुजरात के साबरमती तक, उत्तर प्रदेश के छोर से लेकर बिहार की खुशबू तक, सिक्किम की खूबसूरती से लेकर आसाम की चाय तक, अरुणाचल की संस्कृति से लेकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी संरक्षण तक, हैदराबाद की बिरयानी से लेकर कर्नाटक के जोवार तक, तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर से लेकर केरल के मिसालों तक, गोवा के मौसम से लेकर महाराष्ट्र के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर मध्य प्रदेश के सांची स्तूपा तक, ये भारत है, मेरा भारत है, हमारा भारत है, आप सभी का भारत है, और ये भारत महान है और ये महान रहना भी चाहिए। जो भी आज इसकी अखंडता को धर्म के आधार पर तोड़ रहे हैं उन्हें ये याद रखना होगा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में आजादी शब्द का उल्लेख है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब बार बार आजादी बोला जाता है, जब बार बार इस शब्द का उल्लेख किया जाता है। ये आजादी बड़ी खूबसूरत और इसको देश दूर से जोड़ने वाले लोगों की सोच को मैं तुच्छ और छोटा समझती हूँ। युवाओं व विद्यार्थियों और महिलाओं के आंदोलन को कमजोर, अराजक, हिंसक बताने वाले वे सारे सत्ताधारी भूल जाते हैं कि यह ऐतिहासिक है कि चाहे वो साइमन कमीशन के समय का आंदोलन रहा हो या इमरजेंसी के समय का जेपी आंदोलन ही क्यों न रहा हो। वर्ष 1930 में 26 जनवरी का पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना था और वर्ष 1931 में जब 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाने लगा तब उस समय की ब्रिटिश सरकार ने कई सारी धाराओं को लागू कर यह सुनिश्चित किया कि किसी भी प्रकार का मार्ग नहीं निकाला जाए और इसके विरोध में बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने जुलूस निकाला जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी महिलाओं ने मोर्चा संभाला था, युवाओं ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया था और प्रस्तावनाएं पढ़ी थी। कुछ मिलता जुलता लगता है, आज भी युवा सड़क पर है, आज भी महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। फिर चाहे वो इतिहास की लड़ाई हो या आज की लड़ाई हो, समय अपने आप को जरूर दोहराता है। एक लोकतंत्र में सबसे मूल अधिकार होता है बोलना, कहना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में दिए हुए अभिव्यक्ति की आजादी को भी 71 सालों में बदलने का प्रयास किया गया है। तो सुनिए, 71 सालों में बहुत कुछ बदला होगा लेकिन सत्य नहीं बदलता और ना ही सत्य की लड़ाई बदलती है और ना ही बदलेगी। सत्य की लड़ाई न कभी बदल सकती है न बदलेगी, तो चाहे पूरी सत्ता के विरुद्ध हो या किसी विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ही क्यों न हो। स्टेचू हॉल से उठकर बाबू सैयद का सफर में शासन प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन की हार दर्शाता है और जब सत्ताधारियों का शासन दमनकारी हुआ है तब तक सिंहासन हिलाने जनता आई है और सिंहासन खाली किए गए हैं। और माफ कीजिएगा डीसी साहब, इस बार आपकी बारी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता के साथ मैं विदा लूंगी।
जोर का बखान करते हुए कुछ यूँ कहती हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटी ही सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का है, राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट करो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पे है कहीं खलिहानों में, देवता मिलेंगे गिट्टू तोड़ रहे खलिहानों में, तावड़े और हल रामदान रामदंड बनने को है, तू सरता सोने के श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रथ का घर घर लाभ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और हाँ, एक आखिरी बात, हम देखेंगे, निश्चित है कि हम भी देखेंगे। धन्यवाद।